हरे कृष्ण ओम ज्ञानति निरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः अवदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है, कहते श्री चिड़ा दधी महोत्सव है। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सारे वैष्णवों को बंगाल में जो चिड़वा होता है ना, जिसको पोहा बनाते हैं, उसको कभी दूध में डाल करके, कभी दही में डाल करके, उसमें केला संदेश आम ये सब दे करके उधर बहुत प्रिय खाते हैं। इसलिए सुदामा भी जब कृष्ण के पास में गए तभी उन्होंने इसी चिड़वा लेकर गए थे। कृष्ण इसी चिड़वा को बड़े प्रेम से इसी चिड़वा को ग्रहण किया था। इसलिए आज हम इसी विषय पर हम कुछ कथा सुनेंगे, हमने कई से वैष्णव का सेवा किया है। जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई अध्याय को प्रारंभ करते हैं, वो अध्याय से पहले उसमें विषय वस्तु क्या है, वो विषय वस्तु को लेकर के एक श्लोक रचना करते हैं, जो श्लोक में पूरा उसका विषय वस्तु को उसी श्लोक में कह देते हैं। देखो क्या श्लोक लिखते हैं, बोले कृपा गुणैर्जह कुगृहांध कूपा दुग्धाधृत भंग्या रघुनाथ दासम न्यास स्वरूपे विधदेन्तरंगम श्री कृष्ण चैतन्य ममोम प्रपदे। कहते हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। कहते चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले कृपा गुणैर्जह। कहते महाप्रभु कैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर में कैसे अपना कृपा गुण को द्वारा कृपा को द्वारा उनने क्या कराया था, बोले गृहांत कुपात दुध्या भंग्या रघुनाथ दासम। कहते ये पहले संसार में रहते थे और इनका दो भाई थे, लेकिन एक भाई का तो एक बेटा था नहीं और एक भाई का एक ही बेटा रघुनाथ दास गोस्वामी। और उसी समय में
कहते ये कितने संपत्ति था, कितने संपत्ति, बोले साल में इनकी 10,000 स्वर्ण मुद्रा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। अभी कितना पैसा होगा 10,000 स्वर्ण मुद्रा, बोला अरब खरब रुपया होगा, जिनकी घर की इनकम इतना था, और ये एक ही पिताजी की, एक भाई का बेटा और दूसरे भाई का कोई बेटा नहीं, मतलब दोनों भाई इसको अपना बेटा ही मानते थे इसलिए। लेकिन जब उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर जी के संपर्क में आए, जब उन्होंने भगवान की कथा उन्होंने सुने, जब उनको पता चला ये जीवन दुर्लभ है, भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देते, 84 लाख जोनि के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिला, भगवान क्यों ये मानव शरीर दिया, कारण क्या है, बोले एक ही कारण है, इसी जीवन में भगवान की भजन करने के लिए हैं। कहते विषय खलु सर्वत्र साथ, ये संसार तो हर जीवन में हम करते रहते हैं, ऐसे कौन सा जीवन नहीं जो जीवन मिलने पर हम इस घर गृहस्थ नहीं किया, जानवर पशु पक्षी हर जीवन में तो ये घर गृहस्थ दुनिया हम करते करते आए। इसलिए हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते थे, कहते भैया ये तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, तुम जितने जन्म से पशु पक्षी जिस जीवन में गए यही काम किया और कुछ नहीं किया हैं, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, उनको पालन कर दिया, मर गया और क्या किया, इससे सिवाय लोग और क्या करेगा, इससे तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर में ये रिजर्व। लेकिन ये जो जीवन भगवान दिया इसको विषय में नहीं गमा करके इसको एक जीवन प्रभु की भजन में दे दो हैं, कहते अगर एक जीवन हम भगवान की भक्ति में दे देंगे क्या होगा, कहते एतावत जन्म साफल्यम, बोले इसकी जीवन पहले जीवन में जितने जीवन हम संसार में भटकते भटकते आए, बोले सारे जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगा अगर ये एक जीवन को पा करके प्रभु का भजन में लगा दिया, तुम्हारी जितने जीवन गया सब जीवन धन्य हो जाएगा। प्राण ही अर्थ है धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, काय मन वाक्य से सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की भक्ति, ये प्रभु का भक्ति में लगा दो बास तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो जीवन हमें मिला, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते थे खबरदार ये जीवन को बर्बाद मत करो, ये जीवन को नष्ट मत करो, क्योंकि एक बार नष्ट हो जाएगा फिर तुम्हें 84 लाख जन्म में फिर दोबारा जाना पड़ेगा। ये जो जीवन मिला है जीवन अनमोल है, ये जीवन अनमोल। जब उन्हें हरिदास ठाकुर जी का संग किया, उनसे हरि कथा सुने, उनका संसार से वैराग्य हो गया, बोले और नहीं ये जीवन को और विषय में नहीं गवाना, ये जीवन को तो केवल भगवान के भजन और किसी काम में नहीं लगाना। इसलिए जब उनने कथा सुने ना, तब उन्होंने बारम्बार घर संसार छोड़ करके महाप्रभु के पास में बारम्बार आना चाहते हैं, लेकिन भैया एक बेटा, सारे संपत्ति का मालिक यही है, इतनी संपत्ति है, इतनी सारी संपत्ति, इसलिए उदाहरण देते हैं, कहते इंद्र तुल्य ऐश्वर्य, घर में कितने पैसा है, बोले इंद्र के बराबर घर में ऐश्वर्य। जब किसी तरह से उसको हैं, किसी तरह से उन्होंने उनको रख नहीं पाए, लास्ट में क्या किया, बोले संसार में दो चीज ही जीव को संसार में बांध कर रखते हैं, कहते एक है पैसा और दूसरा है स्त्री, यही दो चीज जीव संसार में पुरुष को बांध करके संसार में रखते हुए शादी करा दो बस फंस जाएगा, स्त्री की मोह में फंस जाएगा। वो जितने बड़े घर के थे उतने बड़े घर के किसी लड़की से शादी कराया, इसलिए उदाहरण देते हैं स्त्री देखने में कैसे, मतलब अप्सर जैसे, स्वर्ग की अप्सर जैसे, इतने सुंदर स्त्री से उन्होंने शादी करा दिया। लेकिन कहते चैतन्य जे बातुल तर के राखी दे, एक बार अगर महाप्रभु के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में एक बार कोई अगर पागल हो गया ना, जगत में उसको कोई भी और पागल कोई नहीं बना सकता। इसलिए कहते ना, कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहते ये जितने सारे पागल सब झूठे पागल है, बोले सच्चा पागल है जो बाके बिहारी। इसलिए तब उन्होंने कहते जे चैतन्य बातुल तारे के राखी थे पारे, एक बार महाप्रभु का प्रेम एक बार बातुल मतलब पागल हो जाओ, दुनिया में कोई बंधन नहीं तुमको संसार में बांध सकता, कोई भी बंधन ऐसे नहीं तुम्हें बांध सकता है।
इसलिए हमारे श्री बिल्लो मंगल कहते हैं, साध्यमाधिक चिंता न भवति सरकरे कर्कशासी है। कहते अगर राधा कृष्ण प्रेम एक बूंद अगर किसी के आस्वादन का विषय हो जाए ना, भले जगत का जितने रस है उसके सामने सब फीकी पड़ी जाती हैं। द्राक्षा द्राक्षरती, द्राक्षा होता है अंगूर का रस से बनता है, हैं अंगूर का रस से कि द्राक्षा रस बनता है। कहते तेरे तरफ में कोई देखेगा नहीं, बोले अमृत अमृत मसी, बोले अमृत तू मर जा, मर जा तू। बोले क्यों? बोले राधा कृष्ण का प्रेम मिला है ना, इसलिए तू मर जा, तेरे तरफ में कोई देखेगा नहीं है। ये साध्य माधि को न चिंत कर, सरकरे सरकरे तेरे कर्कशासी, तू तो कर्कश हो गया, तू तो कड़ुआ हो गए हो। धरामृतम कहते, कहते इसी जगत में पत्नी का जो अधरामृत, कहते ओ मृतम असी, बोले तू मर जा है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम अगर किसी को एक आस्वादन का विषय हो जाए, इसलिए रघुनाथ इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते कृपा गुण ही जह गृहांत कुपात दुग्ध्याद भंग्याद रघुनाथम। तब उन्होंने उदाहरण देते हैं, कहते ये संसार कैसे, बोले गृहांत कुपम है, गृह रूपी अंधक हुआ जिसमें कहीं भगवत चर्चा हरि कथा हरि नाम जिसमें भगवान की कोई भजन भजन जिसमें है नहीं, कहते उसको क्या कहते हैं, बोले गृह अंधक हुआ। कहते वो गृहांधक बैठो है बैठो, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बोले गृह अंधकूपम। ये महाप्रभु ने उसको क्या किया, ये गृह रूपी अंधक कुआ से उनको निकाल दिया। निकाल करके क्या किया, न्यस्य स्वरूपी विदधंतरंग, उन्होंने इनका एक नाम है कहते स्वरूपेर रघु, स्वरूपेर रघु, इनको उन्होंने क्या किया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने श्री स्वरूप दामोदर को चरण में उनको दे दिया था, इसलिए उनका नाम स्वरूप रघु। बोले जो कुछ तुमको शिक्षा लेना श्री स्वरूप दामोदर से ग्रहण करना है, स्वरूप रघु। बोले ऐसे जो श्री कृष्ण चैतन्य मम प्रपदे, ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु हम उनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने इनको संसार से, जब उन्होंने संसार से बहुत कोशिश की आने के लिए भागने के लिए, लेकिन उसको पिताजी क्या करते थे, इतनी संपत्ति बारंबार पकड़ पकड़ घर में ले जाते, पकड़ पकड़ कर ले जाते थे घर में हैं, जोर जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते थे। लेकिन जब लास्ट में उन्होंने घर छोड़े हैं कैसे, अभी दही चूड़ा उत्सव के बाद में हैं, जब छोड़े जब महाप्रभु के पास में आए ना, महाप्रभु कहते हैं भगवान बड़ी कृपा तुम्हारी करो, ये गृह रूपी नरक से विषय रूपी नरक से तू निकल करके आ गया, हाँ नरक से तू निकल करके आ गया, इससे निकलना बड़ा भाग्य की बात, जो संसार रूपी नरक से कोई निकल करके भगवान के भजन में आए, लेकिन हम क्या चाहते घर में भागे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी को महापुरु तुमको नरक से ठाकुर निकाल कर ले आए भगवान के भजन में, लेकिन हम क्या चाहते नरक में भागे, कैसे नरक में भागे, फिर भाग करके जैसे गोबर का कीड़ा होता है ना, उसको गोबर से निकाल दो वो फिर भागेगा, ढूंढेगा कहाँ पर ये गोबर है, फिर जाकर के डूबेगा। कहते भजन का कोई लक्षण नहीं, इसका कोई भजन का कोई लक्षण नहीं, वही व्यक्ति गुरु जी कहते भजन कर सकते हैं जिनको संसार बाल रखना चाहते हैं, लेकिन उस संसार को छोड़ करके भगवान की भजन में आना चाहते हैं वही भक्ति कर सकता है, या जो जान बुझ करके भागे फिर भागे संसार में, भक्ति क्या करोगे, भक्ति भक्ति क्या मतलब तुम्हारा, कोई मतलब है। इसलिए यहाँ पर कहते तुमको नरक से निकाल करके ले आए ठाकुर जी, बड़ी कृपा है ठाकुर जी को, क्योंकि संसार में क्या चर्चा है, सवेरे उठते ही नमक हल्दी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, तेल मसाला है कि नहीं, गृह कहते ना उसको, कहते क्या कहते हैं, बोले गृह विधि गृह व्रत है, हैं जिनका व्रत ही बन गया संसार है, गृह हाँ हाँ गृह से गृह वैदिनाम, इसलिए जिनका दिमाग में केवल यही चीज़ है और कुछ दिमाग में घुसता नहीं, इसलिए कहते ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु, कहते ऐसे महाप्रभु के चरण में हम सबके सब प्रणाम करते हैं महाप्रभु का। अभी क्या विषय है, हम विषय सुनते हैं, ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। जे मते भाल है करुण भार दिल्लु तारे,
रघुनाथ आसी तबे ज्येष्ठर मिलाइल म्लेच्छ सहित बस कैला सब शांत हईल हेमत रघुनाथेर वत्स रेख गेल द्वितीय वत्स रे पलायित मन कैल। महा रघुनाथ दास गोस्वामी को जब बारंबार पकड़ पकड़ कर घर में ले आते हैं और ये कोशिश करते किसी घर छूटे और महाप्रभु के पास में जाए, किसी तरह से इनको जाने नहीं देते हैं, हैं जाने नहीं देते। इसलिए जब उनको ले आए क्या हुआ, अगर पैसा भी जाए तो उनको पीछे जाए और जब सोते हैं ठीक कब फिर बेटा भाग कर नहीं चल जाए, तीन चार लोग जगे हुए रहते भैया कब फिर भाग नहीं जाए, पायखाना करने के लिए जाए उसके पीछे दो चार व्यक्ति जाए, मतलब हर समय उसको निगरानी में रख रहे थे। ये कहीं दो बार भाग करके इतने सारे ऐश्वर्य वैभव को छोड़ करके ये भाग नहीं जाए, चारों तरफ उसको लोग हमारे गुरुदेव का जीवन में भी ऐसे हुआ। मेरे गुरुदेव जब गुरुदेव को पकड़ करके ले गए, परिवार वाले जब पकड़ कर ले गए, बहुत जमींदार घर के लड़के थे, उसी समय गुरुदेव ने LLB किया था। उस समय कोई साधारण व्यक्ति इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, हैं जो अरब खरब पति होते तो वही इतने लिखाई पढ़ाई करते थे, पहले तो दो चार क्लास पढ़ करके ख़त्म हो जाती थी। इसलिए मेरे गुरुदेव इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतने लिखाई पढ़ाई गुरुदेव ने किया, इसलिए मेरे गुरुदेव जब पकड़ कर ले गए ना, गुरुदेव कहते मैंने इतने रो रहा था कि जब हम लंच में बैठे करके नदी पार होना चाह रहे थे तो पद्मा नदी, उसी समय जब हम गुरुदेव के परिवार वालों ने पुलिस से रिपोर्ट कर दिया, पता नहीं ये बाबा लोग कहाँ से आ गए और हमारे बच्चे का बुद्धि खराब करके भगा करके ले जा रहे, साधु बन बनने के लिए जा रहे थे और इतने लिखे पड़े हैं। उनको गुरुदेव कहते हैं जब मेरे को पकड़ करके ले गए इतने में रो रहा था, साधुओं को साथ में हम जा नहीं पाए, हम घरवाल पकड़ लिए, इतने रो रहा था। फिर गुरुदेव कहते ठीक रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे हमारे चरित्र गुरुदेव का चरित्र है, सो रहे तो लोग वहाँ पर जमींदार घर के थे, पायखाना गए तो पीछे जाते, पैसा गए तो घर फिर भाग नहीं जाए। हमारे गुरुदेव कहते मैंने देखा भैया गड़बड़ी है, ये तो हमें ऐसे जाने ही नहीं देंगे, हमने गले से जो कंठी बड़ी ना उसको निकाल दिया, चोटी कटवा दिया। बोले पता नहीं ये बाबा लोग आकर मेरे पागल बना दिए, उल्टा पुल्टा पट्टी बढ़ा करके हमें साधु बनाने का चक्कर में, हे बेकार है साधु साधु करना हैं। परिवार सोचे कि बढ़िया हो गया, बेटा हमारी सुधर गए, लेकिन ज़्यादा बिगड़ गया हमको पता ही नहीं था। फिर उन्होंने बहाना बनाया क्योंकि बहुत दिन से गुरुदेव घर से बाहर जाने नहीं दिए, फिर गुरुदेव ने कहा इतना दिन से हम घर से निकल नहीं पाए, मैं चाहता हूँ एक बार अपना बहन के घर में घूम करके आता हूँ, हैं परिवार वाले सचमुच से इतना दिन तक घर से बाहर नहीं गया, ठीक है अपना बहन के घर में जाकर घूम करके आए। बदबा बहाना बनाया बहन के घर में जा रहा हूँ और सीधा पूर्व बंगाल है, बरिशाल जिला है, पहले बहाना बनाया, फिर बहाना बना करके पहले साधुओं का रख लिया था, एड्रेस पर रख लिया था, तो गुरुदेव ने कहा बस बहाना बना करके मैं कलकत्ता बुरा सीधा चलाया, प्रभुपाद के पास में सीधा चलाया। जब दो चार दिन ही हो गया पता लगा है बहन के घर में हैं शिव शंकर, गुरुदेव का नाम था शिव शंकर, इसलिए वो शिव शंकर कहाँ गया, बोले तो यहाँ आया नहीं, फिर गांव में हल्ला हो गया, फिर घर छोड़ के चला गया। फिर गांव में कोई बात हो ना फिर हल्ला हो जाता है, बोले शिव शंकर फिर साधु बन गया। फिर वहाँ से फिर परिवार लोग आए कहाँ कलकत्ता, पूर्व बंगाल से पश्चिम बंगाल आए, फिर प्रभुपाद के पास में आए। जब प्रभुपाद के पास में आए फिर प्रभुपाद ने उनका परिवार को बैठा करके समझाया, बोले देखो तब भी उसी वंश का कोई बेटा भजन करता है साधु बनता है, जब करोड़ों जन्म का कोई पूर्व जन्म का सुकृति हो, क्योंकि वंश में एक बेटा भजन करता तो इसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, हैं 21 पीढ़ी हो जा उधार हो जाता है। तुम लोग तो बहु भाग्य है जो तुम्हारी वंश का बेटा भजन करना चाह रहे, कितने भाग्य से बच्चे भजन करता है, बल तुमको तो बैठी बैठी करे संसार से उधार हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तब प्रभुपाद ने उनको बहुत समझाया, जब समझाया उनको चित्त को थोड़ा तसल्ली मिले, बोले ठीक है बेटा गया तो साधु बनकर गया, भगवान की भजन करने के लिए गया। ठीक रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में जब उनको पकड़ करके ले आए कहीं भी जाने नहीं दे रहे, कहते ऐसे एक महीना कड़ी पहर दर दिया उनको घर से निकल करके जैसे नहीं जाए। जब एक महीना उनको ये हो गया बत्सर के गेलो द्वितीय बत्सर पलायित मन कैलो, जो दूसरी साल आया अभी सोच रहे कैसे चल जाए महाप्रभु के पास में, कैसे जाए भजन करने के लिए, कैसे पलायित, इसलिए
ବୋଲେ ଦୂର ହେଇତେ ପିତା ତାରି ଆନିଲ ଧରିଆ ଏଇ ମତେ ବାରେ ବାରେ ପାଲା ୟା ଧରେ ଆନି ତବେ ତାର ମାତା କହେ ତାର ପିତା ସେନି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଭାଗ ଯାତେ ହିଁ ବାର ବାର ପକଡ଼ କରିକି ଲାତେ ହିଁ ଫେର ଉନକୋ ଉନକୋ ପତ୍ନୀ ନେଇ କହା ବୋଲି କ୍ୟା କର ରହେ ହୋ ବେଟା ତୁମାର ପାଗଲ ହୋ ଗିଆ କି ଧର ଧର ଛୋଡ଼ କର ହେଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାସ ମେ ଯା ରହେ ହିଁ ଉସକୋ ଠିକ୍ ସେ ରଖୋ ବୋଲେ କ୍ୟା କରୋ ବୋଲେ ଏକ କାମ କରୋ ଉସକୋ ପେୟାର ମେ ନା ଲୋହେ କି ଜଞ୍ଜରୀ ଓର ହାତ ମେ ଜଞ୍ଜରୀ ବାନ୍ଧ କରି ରଖ ଦୋ ଘର ମେ ଲୋହେ କି ଜଞ୍ଜରୀ ସେ ହାତ ପେୟାର ବାନ୍ଧ କରି ଘର ମେ ରଖ ଦୋ ବାରମ୍ବାର ଭାଗ ଯାତା ହେଁ तब जब ये बात बताए देखो उनका पति क्या करते हैं बोले इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ऐसा वो बांधी तो नारी लेकर जा रहे मन दड़ित बंधन तारी राखी वे के मते जन्मदाता पिता नारी प्रारब्ध दंडाई तो बोले बेटू तू पागली हो हैं इंद्र तुल्य ऐश्वर्य स्त्री अश जैसे अप्सर जैसे जिसको बांध नहीं पाए और साधारण रसी लोहे की जंजरी उसको क्या करेगा क्यों देखो बोले जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाए थे हमने तो उसको जन्म दिया है लेकिन पूर्व जन्म में से जो संस्कार लेकर के आया था वो तो अपना संस्कार लेकर के आया हमने तो शरीर को जन्म दिया आत्मा को तो जन्म दी नहीं लेकिन उसका संस्कार कहाँ जाएगा पागली हैं तुम पागली हो बोले चैतन्य चंद्र कृपा हया छे तारे चैतन्य प्रभुर बातुल के राखी ते बारे बोले जिसको पर श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया हैं महाप्रभु का प्रेम में जो पागल है जगत में से कौन सा बंधन जो कि उसको रख सकते हैं जगत में कोई उसको रख नहीं सकते हैं तबे रघुनाथ किछो बिचारी लमने नित्यानंद गोसाई रे पास चलीला आर्दन अभी सोच रहे हैं जे अभी क्या करें अभी क्या करें घर से तो जाने नहीं दे रहे किसी तरह से फिर उन्होंने एक उपाय सोचा बोले क्या सोचा उनको पता चला पानीहाट ग्राम में यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु आए पानीहाट में गए हो पानीहाट नहीं गए होगा तो एक बार जब नवद्वीप परिक्रमा जाएंगे एक बार आपको ले जाएंगे बड़े सुंदर स्थान गंगा बह रही है विशाल गंगा सुंदर वटवृक्ष जहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में महा नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ है अभी उन्होंने देखा हैं इसलिए कहते वहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए हैं अभी सोच रहे हैं एक बार जा करके हम श्री नित्यानंद प्रभु से मिले बोले कीर्तनिया सेवक संगे आर बहु जने संगीतेर वृक्ष मूल्य पिंडार ऊपरे बस या छने प्रभु जन सूर्य दैवर बोले नित्यानंद प्रभु आए एक बार उनसे हम मिल करके आते तब आए और नित्यानंद प्रभु से उन्होंने जब मिले देखा कैसे बोले गंगा तेरे वृक्ष मूल्य पिंडार ऊपर अभी भी वो पेड़ है किसी पेड़ को नीचे उन्होंने मिला था विशाल बटन बड़े सुंदर चबूतरा नित्यानंद प्रभु जिसको पर बैठे हुए कहते कैसे बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे सूरज जैसे उदय हो हैं तो बलदेव प्रभु है ना ए नित्यानंद प्रभु पृष्ठ बड़े सुंदर तेजसी सूर्योदय करे तले ऊपर बहुभक्त हया छन वेष्टित देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित जब नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे वहाँ पर बहु भक्त लोग वहाँ पर चारित्र में घेर करके वहाँ पर बैठे हुए और वहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब देखे उनको बड़ा आश्चर्य लिखा बोले दंडवत हैया पड़िला कत दूरे सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे उन्होंने सीझा नित्यानंद प्रभु का चरण में साष्टांग दंडवत किया इसको देख करके भक्त लोगों ने कहा प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी का आपके चरण में प्रणाम कर रहे हैं आपका चरण में सेवक कहे सुनी प्रभु कहे चोरा दिला दरअसल आए आए आज तो रे करीब दंडन जब देखे तब यहाँ पर कह रहे हैं हैं इनको क्या कह रहे हैं बोले चोरा बोले आए आए हैं सुनी प्रभु कहे चोरा दिला दरअसल चोर बड़े दिन में दर्शन दिया इधर आ हैं तो चोर इधर आ तेरे को बोले क्या बोले आए आए बोले इधर आओ आज तुमको हम दंड दूंगा हैं प्रभु बोलाए ते हो निकटे ना करे गमन आकर्षिया तारे माथे धर लचरण जब बुलाए तब उन्हें बड़े शर्मिंदा में पड़ेंगे हैं बोले तो चोर तेरे का दंड दूंगा उन्होंने देखा सचमुच मैं चोर हूँ कि मेरे को दंड देना चाहते उनको थोड़ा शर्म लगा लेकिन महा नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु तब उन्हें पकड़ करके लाए पास में और अपना चरणों को उन्होंने उनका सर पर धर दिया है सर पर तो यहाँ पर कह रहे हैं
कहते उनको चोरा क्यों कह रहे हैं, हैं चोरा क्यों कह रहे हैं, चोरा बोले चोर, बोले चोर क्यों कह रहे हैं, बोले कारण है, कहते ना निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, धर निताई चरण दो खानी, कहते निताई चरण हाँ निताई कृपा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो तब तक राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं। बोले हे न निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नहीं, कहते जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो राधा कृष्ण नहीं मिलते, धर निताई चरण दुखानी, नित्यानंद प्रभु का चरण को जोर करके पकड़ करके रखो, हैं क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए नित्यानंद प्रभु को लिए अखंड गुरु तत्व का जो मूल पुरुष श्री नित्यानंद प्रभु, क्योंकि कृष्ण का पहला जो प्रकाश है आद्य काय भी हो, पहला जो प्रकाश श्री नित्यानंद प्रभु है, इसलिए यह आदि गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए कहते गुरु छाड़ी गोविंद भजे से पापी नरक भजे, इसका मतलब अगर गुरुदेव को छोड़ करके कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं प्लस से पापी नरक मजे, कहते वो नरक में जाना पड़ता है उसको, हैं इसलिए बोले सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत से विनाम, जो भगवान को डायरेक्ट रूप में प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, हैं बोले सिद्धिर भवति वा नेति, शास्त्र उसको कोई गारंटी नहीं देते हैं तुम भगवान को पाओगे, लेकिन जो गुरु जी की शरण लेकर के भजन करते हैं, कहते आश्रय लया भज तारे कृष्ण नाहीं तो जे आर सब मरे कारण, अगर कि गुरु जी की शरण में अगर लेकर कोई भजन करता है शास्त्र उसको गारंटी देता है भगवान तुम्हें मिलेंगे ही, बोले निसंशय छात्र उसमें कोई संशय नहीं है भगवत प्राप्त करने का। इसलिए यहाँ पर जब श्री नित्या जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आए बोले इधरा तेरे को मैं दंड दूंगा, हैं कहाँ कहाँ मेरे से दूर होकर घूम रहे हो, क्योंकि महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु का संपत्ति, तो बिना नित्यानंद प्रभु का शरण लेते हुए और भाग रहे हो, खूब भाग रहे हो भगवान को पाने के लिए, ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं, जब तक तो गुरु जी की शरण में नहीं आओगे अपने आप भगवान आ इधर तेरे दंड दूंगा, तो उन्होंने ला कर उनका सर पर प्यार उन्होंने रखा। इसलिए दंडीबू बोले दधी चिड़ा भक्षण करा मोर गने सुनिया आनंद है रघुनाथ रने, बोले क्या दंड है, कहते भक्ति जगत में दंड भी बहुत अच्छा है, बोले क्या है, बोले सारे भक्तों को दही चिड़वा इनको भजन करा, इनको भक्तों की सेवा करो, इनको सेवा करो। इसलिए तब रघुनाथ दास गोस्वामी जब सुने जे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया किया भक्तों को उत्सव देना, भक्तों को फीस्ट देना, तो खुश हो गए मेरे ऊपर में नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद दिया जो कि भक्तों की सेवा कराने के लिए। बोले उन्होंने सेवा करने के लिए क्यों बताया, बोले कारण है कहते वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्रा, बोले भगवान कहाँ रहते हैं, बोले भक्तों के हृदय में ही भगवान रहते हैं, लेकिन जब हम भक्तों की सेवा कराते हैं भगवान अपने आप ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, जब अपने आप ठाकुर जी खुश हो जाते हैं बस भगवत प्राप्ति हो जाता है। इसलिए उनको दंड किया दही चिड़ा महोत्सव कराओ। आज हम यहाँ भी शाम को अगर आप लोग थोड़ा चिड़ा ले आओगे, मैं भूल गया कर बोलने के लिए, अगर कुछ चिड़ा ले आओगे और उसमें केले और उसमें दूध और उसमें आम है आम उसको डाल करके इसको, और थोड़ा अगर कोई मिठाई हो संदेश संदेश मतलब होता जो पेड़ा होता है ना, और कोई मिठाई उसमें डाल करके महाप्रभु ने भक्तों को सकड़े में मतलब मिट्टी का सकड़े में खिलाए और हम लोग ग्लास में हाँ दोनों में, इसलिए इसलिए आज शाम को भी हम लोग कोशिश करेंगे सब भक्तों को, उनने जो दंड दिया था सब भक्तों को ये प्रसाद देने के लिए हैं। आप लोग लगता है घर में तो खाते नहीं हो गए चीज़ को, लेकिन आज खा करके देखना कैसे लगता है, भक्त लोग कैसे प्रसाद हो, कैसे भक्त लोग ने पाए थे कैसे। इसलिए यहाँ पर बड़े प्रसन्न होकर बोले सही खड़े निज लोग पाठाइला ग्रामे द्रव्य भक्त द्रव्य लोग सब ग्राम है थे आने चिड़ा दही दुग्ध संदेश आर ची निकला सब द्रव्य आने या चौधरी का धरिला। जब उन्होंने ये बात को सुने लोग करके उन्होंने गांव में लोगों को भेज दिया, क्योंकि बहुत धनी व्यक्ति थे ना,
गांव में भेज दिया, बोले जाओ सब इस चीज़ को लेकर के आओ। बोले क्या ले आओ? बोले क्या? बोले दही है, चिड़वा, दुग्ध, संदेश, चीनी, कला, सब लेकर के आओ। इतने में कहते महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आसिद लागिल को असंत गर्म। बंगाल में ना अगर किसको पता चला यहाँ प्रसाद होगा, अभी भी आप जाकर देखोगे ये जैसे हम लोगों का कभी कभी शर्म लगता है, अरे वहाँ खाने के लिए जाएंगे फिर कौन क्या बोल देगा, हैं भाई हमारा इज्जत है ना, ऐसे थोड़ी जाकर कहीं बीच में बैठ जाएंगे। लेकिन बंगाल में ना लोगों को प्रसाद पाने में बड़ी उनकी शौक है, हाँ बिना अगर थोड़ी सी पता चली जाए ना यहाँ पर उत्सव हो रहा है प्रसाद की, ऐसे नहीं कोई छोटे बड़े सब लोग, हाँ बड़े से बड़े लोग आकर के साधारण लाइन में बैठ करके भगवान के प्रसाद, बड़े भाग्य से भगवान के प्रसाद मिलता है। वहाँ पर जब सुने ब्राह्मण लोग, जब उन्होंने सुने सज्जन लोग सुने, असंख्य लोग वहाँ पर आने लग गए और कहते हैं है, सामग्री आनीला सत्य दुई चारी होना अनाइला, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी चीज को लाए और वहाँ पर बड़े बड़े पात्र लाए। बड़े बड़े पात्र में उन्होंने क्या किया, कौन सा, बोले मिट्टी का कुंड लाए। ला करके उन्होंने क्या किया, 5-7 व्यक्ति बैठ करके चिड़ा को कोई भिजवा रहे हैं और कोई दूध, गर्म दूध है, गर्म दूध में भिजा रहे हैं। उसने में दो तरह का चिड़वा बनाया, कहते एक तो दूध में डालकर जिस चिड़वा को धो दिया, अब जैसे पोहा बनाते ना पहले जैसे धो दिया पानी निकाल दिया, फिर दूध, फिर चिड़वा को धो करके फिर उसको गर्म दूध में छोड़ देते हैं, गर्म दूध में, और उसमें चीनी फिनी केला फेला सब दे करके उसको बनाते हैं। और दूसरे तरीका से बनाते दही में, एक में तो दूध में और दूसरे में दही में है, इसलिए दही में बनाते। अर्धे कहानी लो दधी चिला कला दिया, इसलिए जो आधा है हैं चीनी कोला दे करके उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। बना करके उन्होंने आर अर्धे को घना वृत दुग्धर छानिया चापा कला चीनी घृत कर्पूर उतार दिलो, बोले उसमें क्या क्या दिया है, क्या तो उधर एक केला मिलता है, वो केला इधर नहीं मिलता है, उसका नाम है चांपा, चंपा केला कहते हैं, हैं वो बड़ा सुंदर है, हाँ उस चांपा केला उसको कहते हैं, और चीनी, और उसमें थोड़ी सी अच्छा प्योर गैया की घी उसमें डाले, और उसमें थोड़ी सी कर्पूर देते हैं, कर्पूर देने से थोड़ा उसमें टेस्ट है, खाने का जो कर्पूर होता है उतना टेस्ट हो जाता है कर्पूर, उन्हें थोड़ा कर्पूर दिया। तब उसको बाद में बोले धुती परी प्रभु जदि पिंडा पिंडा ते वसीला साध कुंड विप्रतारे आगे ते धरिला। जब नित्यानंद प्रभु अपना चबूतरा के ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठे, वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर सात कुंडी मतलब सात पात्र मिट्टी के पात्र में, पहले तो मिट्टी के पात्र केले पत्ते में खाते थे पहले, इसलिए मिट्टी का पात्र अलग अलग, उन्होंने सात कुंड वहाँ पर मिट्टी का पात्र धर दिया। और चबूतरा ऊपर जत प्रभुर निजगने बड़ा बड़ा लोग बसिला मंडली रचने, जो महा नित्यानंद प्रभु का जो विशेष विशेष है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, वो सब के सब चबूतरा ऊपर में लाइन करके, जैसे हम प्रसाद पाते हैं ऐसे लाइन करके बड़े बड़े लोग ऊपर बैठे। जब बैठे बोले रामदास, बोले कौन कौन, सब महा नित्यानंद प्रभु का भक्त, बोले रामदास, बोले सुंदरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदासी बपुरंतर, ये भक्तों का नाम ले रहे हैं। बोले धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गौरी दास भोड कृष्ण दास उदाहरण दत्तादि जत निज जन ऊपरी बसिला सब के करे गण। इसलिए इतने बड़े बड़े सब पिंडा के ऊपर में, वारंदा के ऊपर में सब के सब बैठे। बोले सुनी पंडित भट्टाचार्य जत विप्राइला मान्य करी प्रभु सवार ऊपर बसाइला। ऐसे पंडित जो विद्वान लोग उसी समय में जो गण्यमान्य लोग थे, जब आए नित्यानंद प्रभु उनको बुला बुला करके बोले तुम सब ऊपर बैठो, हैं तुम लोग जो सीनियर लोग होते ना, जो उसी समय में जो अच्छे अच्छे सज्जन, बोले महा नित्यानंद प्रभु सबका आदर दे करके सब जत्न करके सबका सब बढ़िया से उनको बैठा रहे, तो ऊपर बैठो। और बैठ करके क्या करो, बोले दुई दुई मृत कुंड सवार आगे दिला एक दुग्ध चिड़ा आर दधी चिड़ा कहला। उन्होंने दो दो पात्र में दिया, कहते एक पात्र में तो दही चिड़वा, बंगाल में गए ना बंगाल में, उधर का दही खाए कैसे दही है, मीठा मीठा दही, वहाँ पर खट्टा दही नहीं मिलता,
खट्टा दही कोई नहीं खाते वहाँ पर सबके सब, और वहाँ पर एक मीठा दही मिलता है वो यहाँ के राबड़ी को भी फेल कर देगा। जो बढ़िया से बनाते हैं वहाँ की जो मीठा दही एकदम लाल रंग का स्पेशल बनाते, स्पेशल उसको बनाते हैं। हाँ, खजूर गुड़ दे करके हमारे मेरे एक गुरु भाई थे, उनका ये काम था। हम जब जाते थे उस समय हम जब सुनते थे मंदिर से आए हम लोग आए तब हमारे लिए लाए थे, क्या बताएं, उसको ऊपर इतने मोटी मलाई बड़ा हुआ रहता है, हमारे गुरु भाई बनाते थे। और इतने बड़े पात्र में 5 किलो दही लेकर आते थे, जब हम अपना गुरु जी के मठ में जाते थे ना तो दही वो यहाँ पर राबड़ी भी फैल उसके सामने है, राबड़ी भी फैल हो जाएगा, इतने सुंदर दही। उनने दो दो पात्र में सबको एक दही चिड़वा और एक दूध चिड़वा, दोनों में बढ़िया सुंदर बना करके उन्होंने दो दो उन्होंने आगे हैं आगे उन्होंने रखा। आर जत लोग सब चौतरा तला ने मंडली बंधे वसीला तार नहाई गण, ये तो ऊपर बैठे और जो भक्त लोग थे उसको नीचे एकदम गोल करके बैठ करके उन्होंने बैठ गए। बैठ करके एक 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 जना रे दुई दुई होलना दिला, दधि चिड़ा दुग्ध चिड़ा दुई ते भिजाइला, कौन कौन विप्र ऊपरे स्थान ना पाया, दुई होलना ए चिड़ा भिजाए गंगा तिरे गया। कहते वहाँ पर गंगा नदी बह रही बड़ी सुंदर है, हैं बड़ी सुंदर गंगा नदी बह रही है। कुछ लोगों को बैठने का जगह नहीं हुआ, बना करके खिलाने का जगह, फिर क्या किया गंगा किनारा में चले गए, हैं गंगा किनारे में बैठ करके वहीं पर उन्होंने भिगा भिगा करके सब लोगों को, जैसे हम लोग यहाँ उत्सव में सब लोगों को खिलवाते हैं ऐसे ही वहाँ पर सबके सब बोले तीर स्थान ना पाए हार कत जन जले नामी दही चिड़ा कराए भक्तन। अभी इतने लोग आने लग गए, इतने लोग वहाँ पर खड़े होकर खड़े होने का भी जगह नहीं मिला, फिर कहाँ खाएंगे, फिर कोई से कुछ लोग तो गंगा एकदम पानी में चले गए और हाथ में जैसे सकड़ा ले लिया रख करके बस प्रसाद पा रहे, गंगा पानी में खड़े होकर के भी सबके सब प्रसाद पा रहे थे। दुई होलनाए चिड़ा बिजाए गंगा तीरे तीरस्थान जले नामी दधि चिड़ा करे भक्षण, केह ऊपर केह तले केह गंगा तीरे 20 जन ते निठाई परिवेषण करे। कहते वहाँ पर कोई ऊपर में कोई नीचे कोई किनारा में सबके सब प्रसाद पा रहे हैं। कहते वहाँ पर कितने लोग परिवेशन कर रहे थे चिड़ा दही को, यहाँ पर कहते 20 जन 3 ठाई परिवेशन करे। जो 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 20 जन भक्त जो प्रसाद दे रहे थे 3 जगह पर उन्होंने अलग अलग रूप में सबको चिड़ा दही खिला रहे थे। हेन काले आयला तथा राघव पंडित हाथे ते लागिला देखी हैया विस्मित। इतने में से राघव पंडित जब उसी समय में आए इसको देख करके इतने लोग चिड़ा दही खा रहे इसको देख कर बड़े आश्चर्य हुए, बोले निशकड़ी नाना मत प्रसाद आनिला प्रभु रे आगे दिया भक्त गणे बांटी दिला। कहते प्रभु रे कहे तुम्हारा लागी भोग लगाइला तुम्हें यहाँ उत्सव करे घरे प्रसाद रहिला। प्रभु कहे द्रव्य दिने करिए भोजन, द्रव्य दिने करिए भोजन रात्रि तुम्हारे घरे प्रसाद करियो भक्षण। फिर जब राघव पंडित आए तब उनको राघव पंडित उन देख करके बोले प्रभु आपके लिए हमें तो आपके लिए अपना घर में प्रसाद की व्यवस्था किया था, उस दिन नित्यानंद प्रभु को विशेष निमंत्रण दिया था, अब आज हमारे घर में आ करके प्रसाद सेवा करना, लेकिन आप तो यहीं प्रसाद सेवा करना। तो नित्यानंद प्रभु बोले कोई चिंता मत करो अभी हम प्रसाद हम यहीं पा लेते हैं, अभी दोपहर में यहीं पा लेते हैं और रात को फिर तुम्हारे घर में रात को तुम्हारे घर में हम प्रसाद पाएंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। बोले क्यों, बोले गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे आमी सुख पाई यही पुलिन भोजन रहे। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं बोले आज यहाँ विशेष आनंद आ रहे हैं। बोले क्यों, बोले यहाँ पर कहते आज मैं गोप हूँ ना, तो कृष्ण पहले जी बलदेव प्रभु पहले जन्म में गोप नंद बाबा का घर में आए, इसलिए कहते मैं गोप हूँ, इसलिए गोप होने का नाते यहाँ पर बहुत सारे गोप लोग हैं, सब नित्यानंद प्रभु का भक्त लोग उनको साथ में आए हुए, इसलिए देखो हम लोग पुलिन भोजन, पुलिन भोजन मतलब जब महा श्री कृष्ण और बलदेव प्रभु गैया चराने के लिए जाते थे उसी से यहाँ तक गंगा वहाँ पर जमुना वृंदावन में जमुना किनारा में रेतियों के ऊपर बैठ करके क्या करते थे, बैठ करके सबके सब जैसे अपना ग्वाल बालों के साथ भोजन करते थे। कहते मेरे बहुत अच्छा लगता है,
सबको साथ में बैठ करके भोजन करने का। अब देखना जब सब लोग बैठ कर भोजन करें ना, एक अलग आनंद आता है। बात करते हुए हैं, प्रसाद की जयकार देते हुए, प्रसाद को सेवा करते हुए, बोले वाह आज ठाकुर कितने सुंदर चाटनी बनाया, कितना दूसरा साग बनाया, लगता है आज महाप्रभु ने जरूर इसका आस्वादन किया, तभी तो इसमें आज इतना टेस्ट आ रहा है। वो देखो चाटनी क्या बनाया, देखो कैसे सुंदर रसा क्या बनाया, भक्त लोग प्रफुल्लित होकर के ना, लगता है आज ठाकुर ने जरूर प्रसाद पाया है, खुश होकर ठाकुर जी खाए। इसलिए आज हाँ इससे पता चलता है ठाकुर इतने बढ़िया, जब तक भगवान नहीं खाएंगे कैसे बढ़िया बनेगा। हाँ इसलिए कहते मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ग्वाल बाल को साथ में बैठ करके हम भोजन करते हैं। राघव बसाया दुई कुंड दयाला, राघव दिव्य दचिड़ा ताते भी जाइला। राघव पंडित जब आए उनको बैठा करके उनको भी दो कुंड, उन्होंने दो उनको सकड़े उन्होंने दिए। राघव पंडित भी एक में दही में एक दूध में चिड़वा को उन्होंने भिगवाया, भिगा करके उन्होंने बोले सकल लो करे चिड़िया पूर्ण जब है लो ध्यान तबे प्रभु प्रभु महाप्रभु दयाल। जब सबके सामने परसा हो गया दे दिया है, वहाँ पर एक नियम है ऐसे नहीं और बैठे और खाने लग गए, जैसे हम लोग नियम है ना जब महाप्रसाद पाते हैं उसमें एक नियम है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सल्प पुण्यंग बतंग राजन विश्वास नहीं जग। ये श्लोक को पढ़ते हैं, बोले क्यों ये श्लोक पढ़ते हैं, कारण है यदि इसको साधारण लोगों का ये खाना बुद्धि नहीं हो जाए, जैसे साधारण लोग दाल रोटी सब्जी खाते हैं वो ऐसे नहीं समझ लग जाए ये दाल भात, कोई ये दाल भात खा रहे हो ये नहीं। इसलिए जब महाप्रसाद इस श्लोक को बोलते हैं इसका मतलब है कहते सल्प पुण्यंग बतंग राजन विश्वास नहीं बुझाते, इसका मतलब जिसका पुण्य कम पुण्य है कि जो ठाकुर का जो प्रसाद कोई साधारण दाल भात नहीं समझ ले, ये क्या है ये भगवान सप्रसाद अन्न दिन भाई, जिसको पहले कृष्ण खाए राधा रानी ब्रज गोपियाँ हमारे गुरुवर्ग सब लोग इसको पाए और बाद में ये प्रसाद हम लोगों को मिल रहा है, ये कोई साधारण दाल भात ये कोई सब्जी नहीं है, ये जड़ बुद्धि नहीं आ जाए हैं, जड़ बुद्धि नहीं आ जाए। हमारे एक थे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज इमली तला जब इनको मथुरा मठ में आते थे, जब इनको सामने जैसे रोटी सब्जी दाल चावल जो एक बार पहले दे दिया ना, वो इतने आविष्ट होकर के भोजन करते थे, क्यों उनकी भावना रहता था कृष्ण सबसे पहले पाए, जिसको राधा रानी पाए, ललिता विशाखा, फिर उसको रूप मंजरी रति मंजरी पाए, फिर उसको श्री भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी पाए, उसको फिर हमारे श्री प्रभुपाद विनोद मंजरी उनको प्राप्त किया, उसको बाद में फिर श्री विनोद मंजरी हमारे, फिर उसको बाद में हमारे गुरुदेव को रमण मंजरी पाए, उसको बाद में ये प्रसाद हमें मिल रहा है, तो कितने भाग्य से ही भगवान के प्रसाद हमें कितने भाग्य से मिलता है। जब पहले जो थाला में दे दिया ना बात उसको ही प्रसाद पा लेते, लेकिन बाद में अगर कुछ कुछ कटोरी पटोरी में दिया हुआ उसको जब कोई बोलेगा महाराज इसको नहीं दिया, बोले मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा, मतलब प्रसाद पाते समय इतने आविष्टता को साथ में चिंतन करते हुए पाते तो उनको ध्यान नहीं रहता था। वहाँ पर हमारे और एक थे, एक ब्रह्मचारी जिनका नाम था कुंज बिहारी प्रभु था कुंज बिहारी, वो पहले मिलिटारी में रहे थे, उनका चटपटी खाने का थोड़ी सी मिर्च मसाला खट्टा उनको होनी चाहिए थोड़ी सी, अगर कभी कभी अगर बोल देते थे इसमें नमक ठीक से मिर्च नहीं दिया, देखो वो गुस्सा हो जाते थे, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज बोले तुम प्रसाद पा रहे हो ना होटल में बैठे हो, उनको बोलते थे क्या तू प्रसाद पा रहे हो ना होटल में बैठे हो, इसको सख्यात कृष्ण राधा रानी सब सखियाँ पाए, अरे अभी कह रहे उसे नमक नहीं हुआ और उसमें मिर्च नहीं हुआ, खबरदार इसे बोलना नहीं, मना कर देते थे। इसलिए नियम है जैसे ठाकुर जी के लिए जो बनाते हैं नियम है, जैसे ठाकुर जी के लिए बना है ना, बनाने के बाद उसको हम थोड़ी सी ले करके उसमें नमक ठीक है कि नहीं, ऐसे नहीं ठाकुर को बगैर नमक से दे दिया, बगैर मसाला के दे दिया, टेस्ट नहीं दे दिया, उसके बाद जो प्रसाद पाए अरे ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, नहीं ये अपराध है। इसलिए नियम है हमारी इसमें थोड़ी सी हाथ में लो
लेकर के थोड़ी सी उसको मुंह में लगा दो, अंदर में नहीं लेना, उसको थोड़ी सी केवल मुंह में लगा कर उसको फिर थूक देना, पानी देकर मुंह धो देना। अगर उसमें नमक किसी की कमी है, भोग लगने से पहले ही उसको अंदर में दे दो। जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है फिर नहीं बोलनी चाहिए इसमें नमक नहीं मिर्च नहीं, फिर वो अपराध है, वो अपराध है। इसलिए ये कहते हैं यहाँ पर भी, हाँ इसलिए यहाँ पर जिस समय नित्यानंद प्रभु को वहाँ पर सबके सब लग गया, पतल लग गया, पतल लग करके है सबको अंदर प्रसाद रख दिया, प्रसाद रख करके सबके सब महाप्रसाद गोविंदे सब जय ध्वनि दे रहे हैं। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, लेकिन वहाँ पर तो सबके सब लोग हैं, लेकिन वहाँ पर कौन नहीं है, कहते वहाँ पर श्री महाप्रभु नहीं और भक्त लोग। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का स्मरण किया और महाप्रभु के लिए अलग पतल में रखा हुआ। महाप्रभु कहाँ थे, जगन्नाथपुरी में, कहाँ थे, जगन्नाथपुरी में। तब उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने स्मरण किया। जब महाप्रभु का स्मरण किया कहते महाप्रभु का स्मरण करते ही कहते महाप्रभु वहाँ से जगन्नाथपुरी से आ गए। सर्वंतर जब जानते हैं पर महाप्रभु आए और महाप्रभु आकर के भी वहाँ पर बैठ करके प्रसाद खाए, लेकिन ये चीज़ को देखा सब लोग नहीं देखता, जो सौभाग्यवान व्यक्ति थे वो देख रहे थे कहाँ महाप्रभु भी, कहाँ उड़ीसा में और ये बंगाल में हो रही है और महाप्रभु हमारे बीच में बैठ करके महाप्रभु प्रसाद सेवन कर रहे हैं, प्रसाद सेवा कर रहे इसको। लेकिन कोई कोई भाग्यवान व्यक्तियों ने इन लीलाओं को दर्शन किया। और कुछ लीला है इसको बाद में हम शाम को सुनेंगे, कैसे नित्यानंद प्रभु जब उन्होंने भक्तों का सेवा किया, महाप्रभु भक्तों को सेवा की, फिर कैसे भक्त लोग आशीर्वाद दिए, रघुनाथ दास गोस्वामी सारे वैष्णवों का आशीर्वाद पा करके फिर घर छोड़ कर कैसे श्री महाप्रभु का चरण में जाते हैं, इसको फिर हम लोग की बात को हम शाम को सुनेंगे। बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, बोले श्री चिड़ा दही महामहोत्सव की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि गल पावन धवन संसार दहने दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुणा वारी द कृपा वारी धनी बंदी से गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्रीहरि कीर्तनी रहे न मगन महामत मने रोमांच संपासु हाय गौर प्रेमी बंद से गुरु चरण कमल सदरथ जिनी विग्रह से बने श्रृंगार दियास मंदिर मार्जनी करे नी युक्त अनुगत जनी बंदी से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव चर्व चले प्रेयर समय प्रसन्न कृष्ण अति स्वागु है भक्त प्रभु प्रियतमा
Thank you.
Thank you.
हरे कृष्णा सुनहे रसिक जना कृष्ण गुना अनंत Thank you.
ଜଣେ ମଗେଇଦେବ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ସେଦିନ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରାରେ ଯାଇଥିଲେ ନଥିବ ନମଧ୍ୟ ये पहले गाते हैं मेरे को अब कोई गाँव पहले खत्म होता है ये पहले होता है
Thank you.